वर्टिकल बैलेंस शीट, और एक फॉर्मेट सीखा है हमने वर्टिकल पीएनएल, ठीक है। तो ये आपको जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है वो वर्टिकल बैलेंस शीट का समय, लेकिन नीचे रेशियोज भी दिए हुए हैं, तो ये रेशियोज क्या है ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल तो ये बैलेंस शीट का समय जिसमें आपको अलग अलग एसेट्स दिए गए, ठीक है। इसका एक रफ क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, जो लोग बैलेंस शीट के लेक्चर में थे उनको क्लासिफिकेशन याद रहेगा, नहीं थे वो लोग रिविजन लेक्चर के टाइम पे कवर अप कर लो। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ ओन फंड, ओन फंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी क्या है? ओन फंड है, ठीक है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों भी आइटम रिजर्व एंड सरप्लस कहलाएंगे। ये दोनों भी आइटम क्या कहलाएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस कहलाएंगे। ये दोनों भी आइटम रहेंगे आपके रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है दोनों। 10% लोन बनेगा आपका बोरोड फंड। अकाउंट्स पेबल बनेगा आपका करंट लाइबिलिटी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी बनेगा आपका करंट लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स भी बनेगा आपका करंट लाइबिलिटी। एक्सपेंस पेबल बनेगा आपका करंट लाइबिलिटी। अभी हम लोग पीएनएल कर रहे हैं, लेकिन ये सम है, इसके लिए क्लासिफाई करके दिखा रहा हूँ मैं। ये इधर से लेकर गुडविल, फर्नीचर, लैंड, तीनों के तीनों फिक्स एसेट है आपके लिए। गुडविल, फर्नीचर, लैंड, तीनों भी फिक्स एसेट है। स्टॉक, डेटर, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, डेटर, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे आपके लिए करंट एसेट है। और ये जो नीचे दो दिख रहे हैं ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये आपके लिए क्या रहेगा? ये आपके लिए रहेगा फिक्टिशियस एसेट। ये बीच में ही सम क्यों दिखा रहा हूँ, हमने ये सम सॉल्व किए हुए हैं। बोर्ड में सम्स कैसे आए थे, तुमको कॉलेज में सम कैसे आएंगे, उसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मेट दिखाया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हम लोग का अभी चालू है वो है क्या। हर्ष कालचा सम बगित लगा? हर्ष, हर्ष गोरी, हर्ष गोरी जॉइन झाला आता। इसमें कोई भी पीएनएल नहीं आया है, क्योंकि मैक्सिमम तो बैलेंस शीट ही है, ठीक है। पीएनएल का फॉर्मेट थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, इसके लिए वो लोग ज्यादा देते नहीं है। पीएनएल का फॉर्मेट थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू विद आवर कल का सम। अगर आपको याद रहेगा तो कल के सम में हमने क्या किया था, बैलेंस शीट, सॉरी पीएनएल किया था, ठीक है। वर्टिकल पीएनएल का फॉर्मेट किया था, वर्टिकल पीएनएल का फॉर्मेट याद है क्या हर्ष? हाँ, वर्टिकल पीएनएल का फॉर्मेट नहीं, कभी वो ऐड करना यार। बैलेंस शीट अजून बाय आटना है, वर्टिकल पीएनएल अजून बाय आटना है, कसं व्हायचं? लॉकडाऊन काय? लॉकडाऊन डायरेक्ट ऑगस्टला संपेल, तोपर्यंत काय? पेपर देताना सगळं येतं सर? नाही येत ना तोपर्यंत, पेपर देताना आलं की फक्त तेवढ्या पुरतच येतं, कमी मार्क्स भेटतात, परत टेन्शन। तुम लोग लक्की नाही हो गे, तुम लोग हर एग्जाम कॅन्सल हो जाएगा। अभी इस बार हो गया गलती से, बच गए मैच से। मला मी कुठे बोलला, मला मॅच आवडत होता, मी केलं असतं। तुला आवडत होता ना रे, बाकीचे वाचले ना, ठीक है। केटी से बच गए। चलो फॉर्मेट एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर आपको याद रहेगा तो। आपके पीएनएल का फॉर्मेट क्या होता है? सेल्स, सेल्स आपका पहला आइटम है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करोगे तो नेट सेल्स आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या था ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। सम यूजुअली आपको नहीं समझ आया शायद से, क्योंकि उसके अंदर हमने लिस्ट नहीं बनाई है। तो हम लोग एक काम करते हैं, आज पूरे लिस्ट पे ही काम करते, ठीक है। म्हणजे काय, तुमचं तेवढं बायहार्ट होऊन जाईल, ठीक है। आता कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ची लिस्ट बनवायला घेऊया आपण, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सबसे पहिला क्या आइटम आता है, देखो आज का लेक्चर ध्यान से सुनो, मैं वापस से रिविजन, तुम लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है इसके लिए ले रहे, समझा क्या? हेलो, माइक टेस्ट, फेस बार अडकला आपला। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनो ये पूरे लेक्चर को। ओपनिंग स्टॉक,
ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे आएगा। पी साइलेंट है, पी अपना साइलेंट है, तो मधे मधे कर सकते गेम खेलने के लिए झटके लगते। हाँ अभी आ गया, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक इसमें क्या क्या आता है देखो, इसमें आएगा परचेसेस, क्या आएगा बेटा इसमें आएगा परचेसेस, पी यू आर सी एच ए एस सी एस। हाँ परचेस में अगर उन्होंने बोला रहेगा तो लेस रिटर्न करने का, जर त्यांनी दिला असेल तर इथेच लेस रिटर्न करून घ्यायचं। क्या क्या लिखा फिर हमने, ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेस लिखा। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, मेरे को बताओ फैक्ट्री के अंदर क्या क्या खर्चे हो गए, एसेट्स को छोड़ के फैक्ट्री के वर्कर्स को क्या दोगे, बोल हर्ष। वेजेस। वेजेस वेरी गुड। और क्या हो गए फैक्ट्री के अंदर, एडवर्टाइजमेंट चे खर्च। एडवर्टाइजमेंट फैक्ट्री मध्ये कसं करशील हर्ष, फैक्ट्री मध्ये थोड़ी अपन ऐड करतो। इलेक्ट्रिसिटी वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रॉ मटेरियल। ओके रॉ मटेरियल, तो मैं उसको रॉ मटेरियल का नाव देता हूँ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके मैं इसको ही बोलता हूँ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और ये परचेज भी क्या करोगे आप, परचेज भी रॉ मटेरियल ही करोगे ना, रॉ मटेरियल बनवत नहीं अपन, माहिती है ना, रॉ मटेरियल विकत घेतो। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक हो गया, वेजेस हो गया, ही लिस्ट झाल्यानंतर फॉर्मॅट बॅड झाला पाहिजे, परत मी अजून एक लेक्चर वेस्ट नाही करणार फॉर्मॅट वर। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फॅक्टरी, रेंट ऑफ फॅक्टरी, म्हणजे ह्याला मी असं लिहितो फॅक्टरी रेंट। और कुछ, और कोई फैक्ट्री का खर्चा, इम्पोर्ट ड्यूटी। ओके इम्पोर्ट ड्यूटी, अगर आप इम्पोर्ट ड्यूटी बोल ही रहे हो तो आपने और एक नाम सुना होगा, गुड्स आणतानाचा खर्च। चलो क्विज खेल काय बेटा, गुड्स आणताना विकत नाही, विकत घेताना म्हणजे परचेस ना, परचेस करून गुड्स जेव्हा आपल्या गोडाऊन पर्यंत आणतो जेव्हा ते खर्च होतो उसको क्या बोलते इंग्लिश में, अकाउंट्स में, कॅरेज इनवर्ड। वेरी गुड, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड ये आपका फैक्ट्री का ही खर्चा है क्योंकि गुड्स फैक्ट्री में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर सुना होगा, ये वर्ड सुना है क्या, फ्रेट। फ्रेट ऐकले का वर्ड, हो हां। फ्रेट का असतो आणि कैरेज का असतो बताया मैंने तुम लोग क्लास में, काय काय, व्हाट इज फ्रेट एंड व्हाट इज कैरेज, दोघांचा फरक काय फ्रेट आणि कैरेजचा सांगा तुम्ही, मी सांगितलंय क्लास मध्ये एफ वाय ला। बोलो बोलो कोई तो, फ्रेट आणि कैरेज मधला फरक, बेसिक चा फरक आहे, एकदम बेसिक फरक आहे। बोलो टिक टिक एक, टिक-टिक दोन, टिक-टिक तीन झाल्यावर पनिशमेंट लागू। क्या होता है फ्रेट और कैरेज, कितने बार तो तुमको बताया पागल लोगो, जेव्हा गुड्स रोड वरना आणतो त्याला कैरेज बोलतात आणि जेव्हा गुड्स ट्रेन केव्हा रेल्वेज केव्हा एअरवेज मधना आणतो त्याला फ्रेट बोलतात। कितने बार बताया तुम लोग को ये एक्सप्लेनेशन, मैंने एफवाय में तो इतने बार बताया, आज परत एकदा सांगतोय। तो कैरेज इनवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, आउटवर्ड की बात नहीं कर रहा, दोनों भी इनवर्ड चीज है, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी होती है, फैक्ट्री के अंदर जो क्या होती है बेटा मशीनरी, उसके डेप्रिसिएशन का खर्चा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये आपके फैक्ट्री का खर्चा है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। और कुछ, और कोई खर्चा, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेस हो गया, वेरी गुड, रिपेअर्स टू प्लांट अँड मशीनरी पण फॅक्टरीचाच खर्च आहे, रिपेअर्स। ओके और कुछ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, परचेसेस हो गया, वेजेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फैक्ट्री रेंट, इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ऑक्ट्रा रिपेयर, ये मैक्सिमम आने वाले चीज है। उसके अलावा अगर आपको फैक्ट्री का कोई भी चीज देंगे, जैसे कि फैक्ट्री इन्श्योरेंस, फैक्ट्री रेंट, ज्याच्यात फैक्ट्री शब्द लागला ते इकडे येणार, ठीक आहे। त्याच्या व्यतिरिक्त डायरेक्ट एक्सपेन्सिस जर आएगा, क्या आएगा बेटा इधर, डायरेक्ट एक्सपेन्सिस आएगा। आज जरा हा फॉर्मॅट परत एकदा बघा,
क्योंकि इस फॉर्मेट पे आपको सम करना है, क्योंकि मैंने आपको अभी दो पेपर्स दिखाए थे, पिछले बार भी एक दिखाया था, अभी एक दिखाया था। ज्यादातर बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट आया, लेकिन कैसे अगर पीएनएल आएगा तो पीएनएल बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बैलेंस शीट ऐड कर लेते हैं, पीएनएल करते ही नहीं। आप दोनों फॉर्मेट लक्ष्य ठेवायचे, ठीक है? तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। हाँ, इसी में से आपको लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इधर देखो, ओपनिंग स्टॉक ऐड केलेला वरती दिसला का? ओपनिंग स्टॉक ऐड किया, परचेस ऐड किया, वेजेस ऐड किया, इलेक्ट्रिसिटी ऐड किया, रेंट ऐड किया, इम्पोर्ट ड्यूटी, सगळं ऐड केलंय, सगळं 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 इथपर्यंत। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक क्या किया आपने? क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया। क्लोजिंग स्टॉक क्या किया? माइनस किया। तो आपको जो मिलेगा, ये सब करने पे आपको जो मिलेगा उसको बोलोगे ब। ब म्हणजे बी, बी म्हणजे टोटल टोटल ऑपरेटिंग। माता ऑपरेटिंग एक्सपेन्स मध्ये काय काय येतं कळलं का? अटक जाता है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कलर चेंज कर देता हूँ। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे आले हर्ष? सॉरी, नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टोटल सीओजीएस। पुढच्या पार्ट वर आलो। बोला, काय बोलता? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कसा आला? सीओजीएस बघू द्या मला, बघ बघून ऍड करून हे वरचे सगळं ना। हा, काय ऍड केलं आपण? ऍड करून काय ऍड केलं? अरे ते गुड बनवण्यासाठी जेवढे पण आपल्याला वस्तू लागले त्यांची कॉस्ट मिळून टोटल कॉस्ट ऑफ गुड। ठीक आहे, आणि याच फॉर्मॅट मधून एक अजून गोष्ट लेस केली आपण। काय लेस केलं? आम्हाला काय माहिती तुम्ही कुठलं लेस काय केलं? असा स्क्रीन मधनं घुसून मारेल ना, दिसतंय एवढं स्क्रीनवर मायनस केलेली आयटम? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मायनस केलं, दिसलं का हर्ष? एवढं छोटं आहे सर, दिसत नाही। हँडरायटिंग मोठी नाही, डोळे मोठे करून बघ। गौरांग आहे ना? हो, आहे 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 गौरांग आहे। ठीक आहे, दोन दिवस कुठे होता? फिरायला गेलेलो। फिरायला कुठे? काल बर्थडे होता ना। अरे लक्षातच नाही आपल्याला, जाऊ दे, पार्टी पेंडिंग। फॉर्म संपल्यावर आपण पार्टी करू। ठीक आहे, मैंने उसको तुमच्याकडून पार्टी, माझी पार्टी, माझी बर्थडे आज झाला, कोण आलाच नाही बर्थडे विश करायला। हॅलो, ए नेट सेल्स माइनस बी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए माइनस बी करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वर्टिकल पीएनएल सोपी है, क्यू मॉल में जितने भी आइटम्स आपने यहाँ पे लिखे हैं वो आप 12th स्टैंडर्ड में ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे। ये सारे आइटम, सेल्स हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेस हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये सब आप ट्रेडिंग में लिखते थे, मतलब अपना ट्रेडिंग हो गया। हम ट्रेडिंग क्यू बनाते थे जीपी ढूंढने के लिए, जीपी मिल गया, अब ढूंढते हैं आगे की चीजें। अब यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट आइटम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसका भी लिस्ट बनेगा। चलो अब मेरे को बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि ऑफिस एंड एडमिन के खर्चे, ऑफिस एंड एडमिन के खर्चे जिसमें कोई भी नॉर्मल खर्चा आ सकता है, तो कौन सा खर्चा लिखोगे आप, बताओ? स्टेशनरी, प्रिंटिंग, वेरी गुड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पहला आइटम, वेरी गुड। नेक्स्ट, अजून अजून काय? ऑफिस स्टाफ सैलरी। ओके, सैलरीज टू स्टाफ, ऑफिस रेंट, वेरी गुड, ऑफिस रेंट। अजून ऑडिट फीस, एक मिनिट, बराबर है, ऑडिट फीस और कुछ? पोस्टेज एंड टेलीग्राम।
पोस्टेज अँड टेलिग्राम कोई भी खर्चा साधे सुधे कुठले पण खर्च सिर्फ वो सेल्स से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड नहीं होना चाहिए. तुम लोग को सोचने को इसके लिए लगा रहा हूं क्योंकि तुम लोग अगर सोच के आंसर दोगे तो फॉर्मेट अपने आप बैड हो जाएगा. जैसे दिवसभर अपन डोक वापरत नहीं ना, मैं कस थोड़ा वे तरी वापरला पाहिजे ना, नहीं तो क्या गंज लगे डोक. इतने ही ऑफिस के आइटम, मतलब इतना बड़ा बड़ा ऑफिस यही चार पांच आइटम में चलता है. फिर से लिखने का बेटा, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस ऑफिस के अंदर रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर हो सकता है, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, और एक हो सकता है डेप्रिसिएशन, और क्या हो सकता है ऑफिस में, क्या होता है और ऑफिस फर्नीचर होता है और कंप्यूटर होता है मालूम है ना ऑफिस में, तो उसका डेप्रिसिएशन. और क्या आएगा, कोई भी सादा सुधा खर्चा. सादा सुधा मतलब क्या बेटा, जनरल एक्सपेंसेस, कोई भी फैंड्री एक्सपेंसेस मतलब सन्ड्री एक्सपेंसेस, कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मेरे को बताओ डायरेक्टर प्रॉफिट एंड लॉस मधले. हाँ प्रॉफिट एंड बघ, प्रॉफिट एंड लॉस मध्ये दोन गोष्टी असतात, तीन गोष्टी असतात. एक मतलब जो आपके ऑफिस में लगेगा, एक मतलब जो आपको गुड्स बेचने को लगेगा, और तीसरा मतलब आपके बैंक के चार्जेस, म्हणजे ऑफिस एंड एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. आणि आहे पीएनएल ची डेबिट साइड, पूर्ण है पीएनएल का डेबिट साइड, लेकिन उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया आपने, पहला ऑफिस, दूसरा सेलिंग, तीसरा फाइनेंस. ठीक है, मेरे को बताओ अगर डायरेक्टर आपके पास आएगा, डायरेक्टर तो वो कहाँ पे बैठेगा, ऑफिस में बैठेगा ना. तो डायरेक्टर के सारे खर्चे, जैसे कि डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर का एक्सपेंसेस, सब सब चीजें यहाँ पे आएगी. तो ये सारी लिस्ट जब आप बनाओगे, तो आपको मिलेगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस. आपको क्या मिलेगा बेटा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग एस एन डी बना लेते हैं. आपको चाहिए तो आप इधर यहाँ पे इसका नाम डाल सकते हो, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नहीं तो डायरेक्टली लिख सकते हो. ठीक है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस एस एन डी में क्या क्या आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा, सैलरी टू सेल्समैन, अजून गौरांग वस्तु विकायला काय काय लागतं सांगत जा जरा उत्तर. अक्कल म्हणजे काय, नाव पाहिजे, अक्कल विकू शकतोस का तू, ऍडव्हर्टायझिंग, व्हेरी गुड, ऍडव्हर्टायझिंग. ट्रान्सपोर्ट को हम लोग अच्छा नाम देंगे, ट्रान्सपोर्ट को हम बोलेंगे कॅरेज आउटवर्ड बोलेंगे, कॅरेज आउटवर्ड बोलूया. ट्रान्सपोर्ट म्हणजे कॅरेज आउटवर्ड. और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हाँ ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन. और कुछ, रेंट ऑफ शॉप, वेरी गुड, शोरूम रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया. एग्जीबिशन ट्रेड फेयर, एक मिनट, शोरूम लिखने दो पहले, शोरूम का खर्चा मतलब एक्सपेंस. तो एक्सपेंस में सब आ गया, शोरूम का रेंट आ गया, शोरूम का रिपेयर्स आ गया, शोरूम का मेंटेनेंस आ गया सब. उसके अलावा ये चीज भी आती है जहाँ पे हम लोग गुड स्टोर करके रखते हैं, आई क्लियर ना, वेयरहाउस गोडाउन. तो वेयरहाउस गोडाउन भी सेलिंग के लिए लगता है. हाँ. और सेलिंग के लिए क्या लगता है, प्रमोशन. सुना है क्या प्रमोशन, कमीशन, ऑफिस वाला प्रमोशन नहीं, नॉर्मल वाला मतलब गुड्स को बेचने के लिए जो करते हैं, प्रमोशन एक्सपेंसेस, कमीशन टू सेल्समैन हो गया, और कमीशन ब्रोकरेज एक ही हो गया, अजून कमीशन, कितना कमीशन, सॉरी कमीशन हो गया, सेल्स डिस्काउंट इसमें ही आ जाएगा ना, डिस्काउंट इसमें ही आ जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस इसमें आएगा, सेलिंग सेल्स नहीं, सेलिंग एक्सपेंस आएगा, और डिस्काउंट भी इसमें ही आएगा, डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर इसमें ही आएगा.
और कुछ? बस इतना ही। पक्का? हाँ। याद करो और कुछ आ रहा है क्या याद? जितना ज्यादा लिखो तो तुम लोग के लिए अच्छा है। एग्जीबिशन बोला था ना बीच में, एग्जीबिशन। हाँ। एग्जीबिशन एक्सपेंसेस, ठीक है। सो दिस ऑल थिंग्स, एक चीज रह गई बताता हूँ मैं क्या रहेगी जो हमने नहीं कवर की इसमें, वो है आपका पैकिंग। आवाज नहीं दे सर तुम कने। हेलो, पैकिंग एक्सपेंसेस अभी आ रहा है? पैकिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सो दिस ऑल थिंग्स आपके किस में आता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। ठीक है, मैंने ग्रीन कर दिया। देखो ग्रीन के अंदर जो भी पूरी लिस्ट बन गई वो ऑफिस की बनी, और ये अभी किसकी बनी? ये बनी सेलिंग की। 0003 अपन एला, ठीक है। आपके हिसाब से फाइनेंस एक्सपेंस क्या रहेगा? फाइनेंस एक्सपेंस, बैंक चार्जेस। देखो फाइनेंस एक्सपेंस ज्यादा होते नहीं है, फाइनेंस एक्सपेंस दो ही होते हैं, एक मतलब बैंक चार्जेस और एक मतलब आपका इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने? एक होता है बैंक चार्जेस, एक होता है इंटरेस्ट। तुम लोग के कुछ फैकल्टी इंटरेस्ट को इसके बाद वाले आइटम से भी माइनस कर सकते हैं, पर आता सद्या लक्ष्य ठेवा एक सिंपल फॉर्मेट जो हम लोग कर रहे हैं। बैंक चार्जेस क्या क्या आएगा समझा इसमें? हाँ। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने तीन ग्रीन चीजों को ऐड करना है। तीन ग्रीन चीजें जो मैंने ग्रीन मार्क की है, 1+2+3। नाउ व्हाट इज दिस 1+2+3 दिखाओ। देखो 3 तो फाइनेंस एक्सपेंस है, इसका लिस्ट का टोटल। 2 तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, त्याच्या लिस्टची टोटल। आणि 1 आहे ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, उसके लिस्ट का टोटल। तिघांची टोटल घ्यायची आहे, जो लास्ट में आएगा ना एंडिंग का आंसर वो लेने का। 1+2+3 जब मैंने किया तो मेरे को मिला टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसको भी मैं ग्रीन करता हूँ, ठीक है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिसको आप डायरेक्टली बाहर के कॉलम में लिख सकते हो, ठीक है। अब मेरे को करना है C-D। सी क्या है पता आपको? सी है ग्रॉस प्रॉफिट, और डी क्या है पता आपको? डी है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जब आप जीपी में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब C-D करोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट मिलेगा, या फिर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आता हे जो आइटम है थोड़ा सा वेगड़ा है, जिसको मैं अलग कलर देता हूँ, लाल कलर देते चलो, ठीक है। NOI दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नाउ व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम? ऐसी इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब ऐसी इनकम जो आपको, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब ऐसी इनकम जो आपको अचानक से मिली हो, बार बार नहीं मिलेगी। एक एग्जाम्पल मी सांगतो, डिविडेंड। व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड? डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर का, शेअर होल्डरला जे इन्कम भेटते त्याला डिव्हिडंड बोलतो। आपण जर डिव्हिडंड आपल्याला भेटली, मिला, डिव्हिडंड पेड नाही आहे बेटा, डिव्हिडंड क्या की बात कर रहा हूं मैं, रिसीव्ड होगा तो यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि देखो मेरा मेन बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, पैसा बचा था इसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया, पैसा नहीं होता तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वर्थी इंटरेस्ट पेड है, दो इंटरेस्ट कंफ्यूज मत हो जाओ। एक है इंटरेस्ट पेड जो खर्चा है, एक है इंटरेस्ट रिसीव जो इनकम है। उसके बाद तुम्हारा कोई एसेट खराब हो गया, उसको तुमको बेचना पड़ा, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट यहाँ पे आ जाएगा। एसेट में सब आ गया, एसेट में इन्वेस्टमेंट भी आ गया, खराब हो गई आपको मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ सेल करते हो कभी भी, तो ये सारी चीजें आपके कहाँ पे आएगी बेटा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। बोल हर्ष। हैंड रेज हो, हैंड केल्यावर प्रश्न विचारला पाहिजे ना, इकडे कसे आहेत?
मी मजेत ठीक आहे. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्स ठीक आहे. बघ तुझ्या 65,000 गवरांग किती हसला ठीक आहे. गवरांग हसलाच नाही. हसला गवरांग, विचार त्याला. अरे ते आशुतोषचा नंबर मला पर्सनल वरती सेंड करा, मी त्याला ग्रुप वर ऍड करतो. तो ग्रुप वर आहे त्याचा नंबर. अरे ना, आणि मला हाय जरा पाठवा ज्यांचे नंबर माझे सेव्ह नसतील. ते ज्यांना माझे स्टेटस दिसतात त्यांचे नंबर माझ्याकडे सेव्ह आहेत. जिंको मेरे स्टेटस नाही दिखते उनके सेव्ह नाही आहे. गौरांग तुझा ट्रिपल फायनल असला. हा, मला वाटलेलं मी त्याच्यावर मेसेज टाकला. तसं कार्टून बिटूनचा इमेज होतो, बोलला गौरांगचा देणं. तेजस पवारचा सेव्ह आहे माझ्याकडे. दुसरा फोन वापरतो म्हणून नंबर्स नाही. मेसेज आला ठीक आहे. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस, ऐसे खर्चे जो कभी कभार हो गए. गौरांग ने लास्ट टाइम याचा आंसर दिलेला. काय दिलं गौरांग आंसर? कसलं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्स? तूच सांगितलं उत्तर. मी तुला व्हेरी गुड, शाबाश असं पण बोललेलो. अभ्यास करतो. हा, लॉस बाय फायर आणि लॉस बाय थेफ्ट. लॉस बाय फायर आणि लॉस बाय थेफ्ट हे दोनों भी हे कधीतरी होणारे खर्च आहेत आणि आपल्याला गॅरंटी नसते की ते होतीलच ठीक आहे. तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, फिर बाद में आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ठीक है. आपके ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 111 इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. त्याच्यात जेव्हा तुम्ही एनओआय काय कराल, त्याच्यात तुम्ही एनओआय ऍड कराल आणि एनओई, एनओई म्हणजे काय, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सिस लेस कराल. ऍड क्या करोगे बेटा? एनओआय. लेस क्या करोगे बेटा? एनओई. तो आपको जो मिलेगा, जो आपको मिलेगा उसको बोलोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स. काय बोलाल बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स. त्यातनं लेस होणार, त्याच्यातनं लेस होणार टॅक्स दिलेलं असतं सम मध्ये. लेस करोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. मैं आपको कल जो सम भेजा है उसमें 00 आंसर आया था, 00, क्योंकि नेट प्रॉफिट के ऊपर कुछ तो आइटम आया था. जिन्होंने सम देखा है कल का उनको पता रहेगा कल का नेट प्रॉफिट 0 आया था ठीक है. सम चेक करा कल सा. एप्रोप्रिएशन मध्ये जास्ती काही लक्षात ठेवायची गरज नाही. एप्रोप्रिएशन में दो ही चीज याद रखो बेटा. एक मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व, पहला आइटम. हम लोग हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा बाजू में निकाल के रखते हैं ना, तो वो हो गया ट्रांसफर टू रिजर्व. इसको अपने कलर नहीं किया. कौन सा कलर तू बोलो? नीला, पीला, ब्लू, ब्लू, पांडरा, पांडरा दे दिया. ब्लू दिया ना तो ब्लू ही तो है. ये मोर पंखी ब्लू है ठीक है. तो टैक्स लेस किया तो आपका है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. एप्रोप्रिएशन को भी एक कलर दे देते हैं ठीक है. एप्रोप्रिएशन में आएगा ट्रांसफर टू रिजर्व और एक आइटम मतलब प्रपोज्ड डिविडेंड. प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड हमने बैलेंस शीट में भी किया है. बैलेंस शीट में कहां पे लिखते थे प्रपोज्ड डिविडेंड? बोरोड फंड. बोरोड फंड में कोई और आंसर? हम लोग प्रपोज डिविडेंड करंट लाइबिलिटी में लिखते थे बैलेंस शीट में, क्योंकि इसको हम लोग प्रपोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अभी तक हमने पेड नहीं किया. वी हैव नॉट पेड द अमाउंट. पेड करते थे तो वो डिविडेंड बनता था. अगर पेड नहीं किया है तो वो एप्रोप्रिएशन बनेगा, मतलब प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे आएगा. और लास्ट में जो आंसर आएगा, ये जो लास्ट है, इसको बोलते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट ठीक है. ये जो आपको लास्ट का आंसर मिलेगा, इसको आप यहाँ से उठाओगे और बैलेंस शीट में लिखोगे. यहाँ से उठाओगे और कहाँ पे लिखोगे बेटा? बैलेंस शीट में लिखोगे. तो ये है आपका पूरा डिटेल फॉर्मेट. मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, तुम लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर लो या फिर वीडियो में डालूंगा तो उधर से देख लेना. ये पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट मैंने तुमको आज वापस से पढ़ा है. सम चालू कर रहे अपना उदयपासन. इसके पहले दो हमने किए हुए लेकिन फिर भी डिटेल फॉर्मेट देख लो पूरा क्या क्या आ रहा है. सेल्स है, सेल्स में से रिटर्न है, रिटर्न माइनस करके आएगा, सेल्स रिटर्न माइनस करके आएगा, नेट सेल्स मतलब सीओजीएस है. सीओजीएस में क्या क्या आइटम है देख लो जरा. परचेसेस वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रेंट, इम्पोर्ट, कैरेज, फ्रेट वगैरह वगैरह, तो बनेगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सी माइनस ए माइनस बी करोगे तो मिलेगा जीपी. इसको कलर नहीं मारा हमने. ये बनेगा आपका जीपी.
GPA becomes A माइनस B, उसके बाद D है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तीन पार्ट हमने देखे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तीन पार्ट हमने देखे, एक मतलब ऑफिस एंड एडमिन, उसकी लिस्ट देख लो। दूसरा मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी भी लिस्ट देख लो। उसके बाद फाइनेंस चार्ज, उसमें दो ही आइटम है तो मिलेगा, और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस C माइनस D करोगे तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, C माइनस D करोगे तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। उसमें ऐड करोगे NOI, लेस करोगे NOE, ऐड करोगे NOI, लेस करोगे NOE, तो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस करोगे तो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें फिर आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अप्रोप्रिएशन अगर लेस हो गए, लेस दो ही अप्रोप्रिएशन है, रिजर्व एंड प्रपोज डिविडेंड, तो आएगा बैलेंस शीट, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ठीक है, तो दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। कल भी सेकेंड हाफ के बाद ही रहेगा, कारण की मी सध्या यूएस वाली शिफ्ट जपतो है, म्हणजे मी सकाळी जागा असतो 7 वाजेपर्यंत, नाही तर सकाळी झोपून जातो, तर मी डायरेक्ट संध्याकाळी उठतो, तो 6 बजे के बाद ही लेक्चर रहेगा। लेक्चर के हाफ एन आवर पहले मैं आपको लाइव लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्लियर झालं का? क्लियर? हो।